अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए आज हमने बची हुई कतरनों से कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने एक चौकोर पट्टी ले ली है और ये हमारी 5 इंच की है दोनों साइड से। ये हम लेंगे सिर्फ एक पट्टी और देखिए ये हमने ली है 2 कलर की, ये है हमारी 6 इंच की। देखिए हमारी 2 कलर की है, येलो और रेड, ये दोनों सेम साइज़ की हैं 6 इंच की। और 4 पट्टी हम लेंगे ये वाली, 2 हमारी येलो हैं और ये है हमारी 6.5 इंच। देखिए 2 येलो और 2 ब्लू कलर की। देखिए इससे हमें बनाना है अब डिज़ाइन। अब इसको हम दोनों, ये हमारी सीधी साइड है, हम दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रख कर दोनों पट्टियों को रख देंगे। देखिए इसके बीच में हमें एक लाइन खींचनी है दोनों के। देखिए ऐसे ही हमारी ये रेड और येलो पट्टी है, इसको भी हमें एक के ऊपर एक रखना है। देखिए अब हम स्केल से इसके बीच में लाइन खींच देंगे और हमें इसके आधा आधा इंच के साइड में लाइन खींचनी है और उसके ऊपर हमें चलानी है सिलाई को। देखिए हमने हमारी चारों पट्टियों पे इस तरीके से लाइन खींच ली है और उस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमारी येलो और ब्लू वाली पट्टी है। देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है, अब इसको बीच में से हम कट कर देंगे दोनों पट्टियों को, ब्लू और येलो वाली, और इसके कोने काट देंगे हम। देखिए हमने इसको अच्छे से काट लिया है और इसको हमें जो पीछे हमारी सिलाई है उस पर हमें लगानी है प्रेस, इसकी जो किनारी है इसकी अच्छे से बैठ जाए। देखिए हमने सारी पट्टियों पर प्रेस कर ली है और ये किनारी हमारी अच्छे से बैठ गई है। देखिए हमने सारी पट्टियों को तैयार कर लिया है। देखिए अब हमारी ये जो ब्लू और येलो वाली पट्टियां हैं इसको हमें देखिए इस तरीके से रखना है, इसकी जो लाइनिंग है बिल्कुल लाइनिंग से मिल जाए। कलर हमारा जिधर ब्लू है एक तरफ ब्लू और येलो आए दोनों साइड में, हमें इस तरीके से पट्टी को रखना है, एक साइड ब्लू और एक साइड येलो। और इसकी लाइनिंग का हमें ध्यान रखना है कि लाइनिंग हमारी इधर से उधर ना हो, बिल्कुल बीच में आए। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और इस दोनों पट्टियों को इसी तरीके से हमें तैयार करना है। देखिए हमने दोनों पट्टियों पे अपने निशान लगा लिया है और इस पर करेंगे अब सिलाई। देखिए हमने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा ली है, इसको भी हम बीच में से कट कर देंगे। देखिए हमारा ये बीच का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें रेड और येलो वाली पट्टी थी उस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी इस पर भी सिलाई लग चुकी है, इसको हम बीच में से कट कर देंगे और जितनी भी सिलाइयाँ हमारी हैं इनको हमें अच्छे से प्रेस से बिठा लेना है। देखिए जो हमने सबसे पहली पट्टी काटी थी रेड वाली वो 5 इंच की थी और एक हमारी 6.5 की थी और एक हमारी 6 की थी, क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन बनाना था इसलिए हमने कपड़े को थोड़ा बड़ा लिया था। इसलिए हमें अब रेड और येलो 5 इंच की ये भी हमें इसके बराबर करनी है और ब्लू और येलो जो है इसको भी हमें
5 इंच की ही कट कर लेनी है। देखिए हमने ये रेड और येलो तो कर ली है, कट कर ली है, अब हमें ब्लू और येलो भी 5 इंच की काट लेनी है। देखिए हमें सारी पट्टियों का साइज़ एक ही रखना है, जो हमने सबसे पहले काटी थी उसी साइज़ की हमें सारी पट्टियों को रखना है। देखिए हमने सारी पट्टियों का साइज़ एक कर लिया है, सारी पट्टियाँ अब हमारी 5 इंच की हैं। देखिए 4 पट्टी हमारी ब्लू और येलो हैं और 4 ही पट्टी हमारी रेड और येलो हैं। तो चलिए इसका बनाते हैं हम डिज़ाइन। देखिए सबसे पहले हम रखेंगे रेड और येलो ऊपर और रखेंगे बीच में हम ब्लू और येलो। देखिए यहाँ पर हम इस पर पिन लगा देंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसमें पिन लगा देंगे। देखिए सबसे ऊपर पट्टी हमारी ये रेडी हो गई, अब हम रखेंगे इसके नीचे सेकंड पट्टी। अब देखिए हमें ब्लू और येलो साइड में रखनी है और रेड पट्टी जो हमारी एक सिंगल थी वो हमें बीच में रखनी है। देखिए इसको ऐसे लगा कर हम इस पर भी पिन लगा लेंगे। अब हम रखेंगे तीसरी पट्टी। देखिए अब हमने जो बीच में रखी थी पहले ब्लू और येलो वो हम बीच में रखेंगे और लास्ट में रखेंगे हम रेड और येलो। देखिए हमारी जो सबसे ऊपर पट्टी थी वो हमारे रेड ऊपर था और इसमें भी हमें रेड को ऊपर रखना है, येलो को बीच में रखना है। देखिए इस तरह से इसमें भी हम पिन लगा लेंगे। देखिए हमने जहाँ जहाँ हमें सिलाई लगानी है हमने सब जगह पिन लगा लिया है। चलिए अब इस पे हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए हमने सारी पट्टियों को अपना रेडी कर लिया है। देखिए हमने तीनों पट्टियों के बीच में हमने सिलाई लगा ली है। देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पे इस पट्टी को रखेंगे, पिन लगा लेंगे, इसको इधर से रखेंगे, यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। देखिए जहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे उसको अच्छे से प्रेस से हमें उन सारी सिलाइयों को अच्छे से बिठा लेना है। देखिए हमने सारी पट्टियों पर सिलाई लगा ली है। देखिए हमने 3 इंच की पट्टी काटी है लंबी और इसको हमें चारों साइड लगाना है। देखिए इस तरीके से हमें चारों साइड पट्टी लगानी है। चलिए सिल के दिखाते हैं आपको। देखिए हमने चारों साइड पट्टी लगा ली है और इसको अच्छे से प्रेस करके इसके सारी किनारी अच्छे से बिठा ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको कुशन कवर बना के दिखाएंगे। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।